अस्सलाम वालेकुम। आज बोनटोनिया है इलाका न्यू जर्सी में, यहाँ इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में रैली भी निकाली जा रही है और एक फंक्शन भी हो रहा है जिसमें बेशुमार स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें हमारे शाहिद साहब का भी ये बड़ा अच्छा देखें आप ट्रक लगा हुआ है, बड़ा देसी खानों में बहुत ही मशहूर है, हर तरह के खाने हैं, बहुत एक्सपर्ट है यहाँ पे शाहिद साहब। और ये हमारा बोनटोन डेकोरेशन क्लब है जिसके बारे में मैं आपको और तफसीलात से आगाह करूंगा। ये इलाका जो बोनटोन का है इसमें ज्यादातर अपने देसी लोग और अपने पाकिस्तानी लोग ज्यादातर यहाँ रिहायश पसीर है। तो मैं आपको ये शाहिद साहब भी यहाँ मौजूद है और इनके साहबजादे बच्चे और हमारी बहन जो शाहिद साहब की मिसेज है वो भी मौजूद है यहाँ पे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह हसबे मामूल आपने फिर यहाँ पे अपना ये अच्छा सा ट्रक लगाया है और बेहतरीन खाने पेश किए। आज क्या क्या पका के दे रहे हैं यहाँ पे? देखें जी, ये देखें पापड़ी जैरो है, माशाल्लाह अभी निकाल के रेडी कर रहे हैं। माशाल्लाह वाह वाह, चिकन जैरो है, क्या बात है, पापड़ी चाप के वापरी, ये समोसे हैं, वाह वाह वेरी गुड। यानी सब लाइव लाइव होगा सारा, जैरो का राइस तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड, इंशाल्लाह सब चीजें जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। और बेटा आपका क्या नाम है? एवरीथिंग जो है ना, क्या नाम है? अहमद। फ्रेश आप पढ़ते हो ना बेटा? किस क्लास में हो? 11। और अब अब्बू को मकसद है कि हाथ भी बटाते हो ना? ये समोसे और शाहिद साहब का एक कमाल ये है कि मुसलमान अपने जितने भी हैं, ये मुस्लिम यहाँ पे जितने इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी और जितने भी लोग हैं ये इनको सबसे ज्यादा आर्डर देते हैं क्योंकि इनका खाना बड़ा टेस्टी होता है, वो दिल लगा के बनाते हैं और खास करके रमजानों में तो ज्यादातर सहरी और इफ्तारी में इन्हीं का काम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं का खाना। हमारी बहन भी है यहाँ बैठी हुई है, शाहिद साहब के मैसेज है। आप बहन क्या हाल है, खैरियत से? बेटा जरा इधर हो जाना सामने से। ये मेरा छोटा बेटा। क्या कर रहे हो बेटा, ठीक हो? आप भी पढ़ते हो? क्या नाम है? अब्दुल। वेरी गुड, जबरदस्त। आज तो सब लोग हाथ बटा रहे हो। मैं इमली की चटनी खा रही हूँ। इमली की चटनी, माशाल्लाह क्या बात है। तो माशाल्लाह ये शाहिद साहब के फूड ट्रक पे देखिए कितना ज्यादा रश है। बाबा टिक्का हलाल फूड के नाम से ये खाना वगैरह बनाते हैं, हर तरह के चिकन के और सब जो है। तो पब्लिक देखिए इनके ट्रक पे हलाल फूड के लिए कितना अच्छा पब्लिक का रश लगा हुआ है और अभी लोग आ भी रहे हैं, जमा हो रहे हैं। शाहिद साहब और उनकी मिसेज अंदर बना रही है, बच्चे बाहर ये सहन कर रहे हैं और लोगों का अभी काफ़ी अंदर हाल में भी पहुंच रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और ये यहाँ तकरीब शुरू होगी, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे और पाकिस्तानी कौमी नगमे तराने सारे ये सुनाए जाएंगे और बजाए जाएंगे और बड़े बड़े फनकार को यहाँ बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, यहाँ पर सब लोग यहाँ आएंगे। आपको मज़ीद आगे के भी कार्रवाई के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थैंक यू। आपको बाहर का व्यू दिखाऊं मैं, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये बोनटोन रिक्रिएशन सेंटर है, ये अपने हमारे पाकिस्तानी आज़ाद दोस्त हैं शराफत साहब, तारिक साहब, इन्होंने ये हॉल बनाया है और शादी के लिए भी यहाँ पे और दीगर तकरीबात के लिए भी ये रेंट पे देते हैं और बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं। बेसमेंट में भी बहुत जगह है और मकसद अंदर भी बहुत जगह है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया है, एरिया भी बहुत अच्छा है ये माशाल्लाह। तो इनका कहना है कि अगर जिसको भी मकसद है कि रेंट पे लेना हो हॉल तो उसको ले सकते हैं रेंट पे, बहुत अच्छा है, उनके काफ़ी कैपेसिटी है, 300-400 लोग ऊपर बैठ सकते हैं, स्टेज बहुत अच्छा है माशाल्लाह अंदर और बेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त जगह पे बना हुआ है माशाल्लाह। मैं आपको बता दूँ हॉल का, उसको मॉडरेट कर दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज हमारी एक कराची की मशहूर फनकारा भी इस शो में परफॉर्म करने के लिए आई हैं और ये अमेरिका में आती रहती है और अपने कराची से बिलोंग करती है माशाल्लाह। निर्मल शाह नाम है और बहुत मशहूर आर्टिस्ट है, अमेरिका में तो बहुत से प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। निर्मल शाह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज तो आप जो ये आज़ादी के प्रोग्राम में आई हैं, ज़्यादातर तो आप तराने और ये गाएंगी, इसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी ज़्यादातर कौन से आप गाने पसंद करती हैं ज़्यादातर? लोग मेरी आवाज़ नूर जहाँ जी को सुनना पसंद करते हैं, पंजाबी सॉन्ग, तो इंशाल्लाह वो भी गाती हूँ और आज भी आपको सुनाया तो सुनाऊँगी और लोगों को अच्छा लगेगा। आई होप के सब पसंद करेंगे एज यूजुअल, जैसे लोग पसंद करते हैं तो ज़ाहिर है हम आते हैं। और प्रदेश में ख़ासतौर पर बड़ा प्यार मिलता है लोगों से, बड़ी मोहब्बत मिलती है और अपना मुल्क छोड़ के आए हुए लोगों में हम जब अपना मुल्क छोड़ के आते हैं तो बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम प्रदेश में हैं। और सबके लिए यही कहूँगी, परदेसी ढोला शाना जी ने ढोला, बहु दूरों आया सपरा थक गया ते मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जी ने ढोला। थैंक यू सो मच। तो यहाँ अमेरिका में कितने टाइम और यहाँ कयाम है आपका? और अभी कुछ दिन हूँ इधर, क्योंकि अभी और कुछ मेले शेले जो हैं हमारे यहाँ के बहुत बड़े गुरुकार हैं, इनकी मिसेज हैं, बहुत माशाल्लाह हर तकरीब में साथ होती हैं। और मैं भाभी आपसे इजहार ख्याल के बारे में कह रहा हूँ कि बताइए आज की तकरीब के बारे में। और माशाल्लाह आप हर प्रोग्राम में शाहिद सलीम साहब के साथ होती हैं तो माशाल्लाह इनका साथ देती हैं और हर तकरीब में देसी लोग जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं सब आपको चाहते हैं, तो माशाल्लाह। और कुछ आज के बारे में सलीम साहब के बारे में बताएं, कैसे है ना, गुलूकार तो बहुत बड़े हैं, तो हस्बैंड कैसे हैं माशाल्लाह? वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आप लोगों की, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने में बताएं प्रोग्राम के बारे में, और हमारे बहुत बड़े फनकार हैं यहाँ, हमारे जितने भी देसी लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी बांग्लादेश इंडियन और जितने भी यहाँ के लोग हैं, इनको खास करके हर तकरीब में इन्वाइट किया जाता है, बुलाते हैं और फन का मुजाहरा करते हैं। बहुत बड़े गुलूकार हैं, अपने इजहार ख्याल करें आज की तकरीब के बारे में। आता है तो हमारी जो कौम है, हमारे पाकिस्तानी जो हैं बहुत जोश जोश से हिस्सा लेते हैं उसमें, और ज़ाहिर है हम लोग भी फिर इसके मुताबिक हम लोग परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत जोश होता है पाकिस्तानियों किसी भी तकलीफ में। तो जैसे मैंने कहा, हमारे हम रहते अमेरिका में हैं लेकिन हमारे दिल जो है पाकिस्तानी हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, हमारे यहाँ के बहुत सोशल पर्सनलिटी है, काफ़ी कम्युनिटी है इनकी यहाँ पर है। और बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने दोस्त सरफराज गाजी से आपसे बात कराऊंगा आज ये पाकिस्तान के डे के सिलसिले में। सरफराज गाजी हमारे इसी इलाके में 20-25 साल से रह रहे थे और पूरी इनकी बरादरी यहीं है गाजी, बल्कि पंजाब में तो पूरी बरादरी यहीं शिफ्ट हो गई है। और सरफराज गाजी भी अपनी फैमिली के साथ जो है इस वक्त वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट हो गए हैं, मगर यहाँ क्योंकि यहाँ भी है बरादरी तो अभी शादी के सिलसिले में आए हैं। और सरफराज मेरे कराची के दोस्त हैं, बहुत बचपन के दोस्त हैं। सरफराज, इस प्रोग्राम के बारे में बताओ आज के इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में है कि हम जितना खुदा का शुक्र अदा करें उतना कम है। यहाँ पे आज हमारा पाकिस्तान का 75th डे मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में एक रैली यहाँ से निकाली जा रही है जिससे हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिलकर इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ माशाल्लाह हमारे इतने पाकिस्तानी हैं कि
दिल खुश हो जाता है, अपने मुल्क की याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ से हम निकलेंगे माशाल्लाह अभी थोड़ी देर में गाड़ियों के जमघट में, सारी गाड़ियाँ हमारी यहाँ से निकलते हुए एक यहाँ हमारा कन्वेंशन सेंटर हॉल बना हुआ है, तो उसके अंदर हम जाएंगे, वहाँ जाके इसकी तकरीब का इख्तिताम होगा। फिर उसके बाद शाम को यहाँ पर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा है अपने पाकिस्तान डे के बारे में। तो बस बहुत खुशी होती है जब यहाँ अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं। मेरे तो यहाँ तकरीबन 23 साल हो गए इस कंट्री के अंदर, तो पिछले कोई 18 साल तो मैं न्यूजर्सी में रहा हूँ। और आजकल पाकिस्तान की ये आज़ादी का जो कार्रवाई का कारवां अब आपकी मंजिल की तरफ हवा दवा है, ऐसे निकल रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, आइए आइए। तो बना लो भाई, आपने ख्यालत का इजहार करें कि वो नहीं कर सकते, नहीं कुछ कुछ बोले वो नहीं कर सकते, कुछ बोले पाकिस्तान कुछ कुछ पाकिस्तान की भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बस ये बोल सकते। और शाहिद भाई यहाँ के बड़े सोशल है हमारे, सरफराज और शाहिद भाई और ये मेरा तो अभी आप ले चुके हैं ना, ये मेरा हो गया, ये मेरा बेटा है सलमान खान, पहले अभी इन्होंने कॉलेज की ग्रेजुएशन की आईटी के अंदर, इन्होंने अल्लाह ताला से कामयाब, आमीन आमीन। तो आप दुआ करें कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर खिदमत अंजाम दे सके, आमीन। यहाँ से रह के ठीक हो गया साहब, थैंक यू, आओ जी आओ जी बैठो। माशाल्लाह तैयारी हो रही है सब हमारे इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले के प्रोग्राम के सिलसिले में तैयारी हो रही है। नीचे स्टॉल लग रहे हैं बेसमेंट में, और ऊपर बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम है जो मैं आपको भी विज़िट कराऊंगा। के लिए जो है इनके लिए जफर साहब थोड़े से बताएं, अभी तो लगे हुए तैयारियों में। जी जी माशाल्लाह, अब हम रह रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ टाउन हॉल, जहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं कार रैली के लिए। माशाल्लाह चलो, वहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। माशाल्लाह, ये मुबशरा साहिबा ने भी अपने ज्वेलरी का यहाँ पे स्टॉल लगाया है, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खवातीन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इनकी ज्वेलरी को। ये अभी इतना स्टॉल सेट भी कर रही है माशाल्लाह, देखिए कितने खूबसूरत ज्वेलरी मौजूद है यहाँ पे। तो जब इनका सेट हो जाएगा पूरा सारा स्टॉल, तो फिर मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा आपको। अभी चूँकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा हमने कहा कि व्यूज़ ले लें, हाँ, और आ रहे सब वेंडर जितने भी हैं। माशाल्लाह इनके यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त गारमेंट है, इनके पास देखें क्या क्या प्राइजेज में है आपके पास है माशाल्लाह। डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, कुछ जो है वो 95 में है, कुछ 60 में है। अच्छा, कुछ कुछ 60 डॉलर के हैं, कुछ 95 डॉलर के हैं, कुछ 200 के हैं। तो यहाँ के फेस्टिवल जो यहाँ पे लगा है अपने स्टॉल, इस पर यहाँ रियायत दे रहे हैं आप यहाँ पे? जी यहाँ कुछ डिस्काउंट रखा है आपने? हाँ जी ऑब्वियसली जो आएगा इंशाल्लाह उसको कोई 30% के करीब हम लोग करेंगे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। क्या आपकी कंपनी का नाम? हमारा है कशिश के नाम से है, कशिश ऑफ लाहौर के नाम से। अच्छा, फोन नंबर बता दीजिए। फोन नंबर है 9176695057। चले माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत देखिए डिजाइन है। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पहुँचने वाली है, अभी शुरू हुआ है ये प्रोग्राम तकरीबन आफ्टर 10-15 मिनट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल रेडी हो, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जी। चले अल्लाह कामयाब करे आपको। ये आज हमारे यहाँ इस तकरीब में इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है सेल के लिए, देखिए बड़े जर्क वर्क और रंग बिरंगे दुल्हन के कपड़े हैं माशाल्लाह। मिनहास कलेक्शन के नाम से है फैसल बुटीक, ये इनका एड्रेस भी है, आप रब्ता कर सकते हैं इनसे माशाल्लाह। हर तरह के बहुत ही खूबसूरत शादी ब्याह के लिए और दीगर तकरीबात के लिए, खवातीन के लिए बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन की यहाँ पर। क्या क्या दाम के हैं? डिफरेंट प्राइसेस हैं शबीर भाई। अच्छा,
डिफरेंट प्राइसेस, गाउन्स वगैरह, ड्रेसेस, कैजुअल्स, बच्चों के, मेंस के, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द स्टोर. माशाल्लाह, वेरी गुड. स्टोर का एड्रेस आपने देखा है, बैनर पे है, एडिसन ग्रीन स्ट्रीट में है. फोन नंबर भी बता दीजिए. फोन नंबर 732-476-4414. चले, माशाल्लाह, वेरी गुड. तो जो भी देखिए हमारे सामीन और नाज़रीन देख रहे हैं, इनसे राब्ता करें. बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन के हैं यहाँ पे, ये देखिए, और बेशुमार वैरायटीज़ है, क्योंकि और भी इनके पास बैग में दीगर और भी वैरायटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं यहाँ पे, अल्लाह की फजल से. स्टोर पे इनके ये मिनहा कलेक्शन जो है, इसके स्टोर पे आप जाएंगे तो हज़ारों की तादाद में आपको चीज़ें मिलेंगी. माशाल्लाह, ओकली रोड के पास है, ग्रीन स्ट्रीट, आइसलैंड जो है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया.